everybody and welcome back to another video. आज मेरा ये कीबोर्ड खराब हो गया। तो मेरा जो ये वाला कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड ऑलमोस्ट 4-4.5 साला ये कीबोर्ड शॉक मारा मेरे को। अबे यार इसको पकड़ू क्या फिर से मैं ऐसे? मेरे को डर लग रहा है इसको पकड़ने को, ये लिटरली करंट मार रहा है। तो गाइस जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड पहले भी एक बार खराब हुआ था और जैसे ही मैं नया कीबोर्ड ऑर्डर करने गया, ये कीबोर्ड आउट ऑफ नोवेयर चलना चालू हो गया। तो पिछले बार ये कीबोर्ड पूरा बंद हो गया था, इस बार ये कीबोर्ड का पूरा लाइट्स बंद हो गया है। मतलब अगर मैं इसको अंधेरे में यूज करने का ट्राई करूं तो इसमें से कुछ लाइट नहीं आता है। और ये बटन को प्रेस करने से लाइट चालू होना चाहिए, जिससे ये चालू बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब ये गया, कीबोर्ड का लाइट गया और कीबोर्ड ने जस्ट अभी शॉक भी मारा मेरे को। तो इसीलिए गाइस कल रात को बैठ के सर्च कर रहा था मैकेनिकल कीबोर्ड, पर जैसे ही मैंने सर्च बार पे मैकेनिकल डाला, Amazon ने मेरे को रेकमेंड किया मैकेनिकल आर्म। What the hell is a mechanical arm? क्या मैं मैकेनिकल आर्म लगा के आयरन मैन बन जाऊंगा? एक सेकंड, क्या आयरन मैन का मैकेनिकल आर्म हमको Amazon पे मिलता है? मतलब इमेजिन करो, मैं मेरे हाथ को ऐसे ऊपर उठाऊंगा, मेरे हाथ के यहाँ से ऐसे मशीन निकल के आएगा और मैं किसी को भी ऐसे मुक्का मार सकता हूँ जोर से। क्या ये मैकेनिकल आर्म है? तो फिर गाइस मैंने मेरे क्यूरियोसिटी के लिए इसको सर्च किया मैकेनिकल आर्म को, और मुझे ये वाला मैकेनिकल आर्म मिला जो आयरन मैन का आर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, कार्डबोर्ड का? तो ये जो मैकेनिकल आर्म है, इसको मैं मेरे हाथ में पहन सकता हूँ और इसका बेसिकली ऊपर से एक और हाथ निकलता है। मतलब मेरा हाथ उसके ऊपर एक और हाथ, और मैं ये हाथ से ये हाथ को कंट्रोल करूंगा, जो ऐसा देख के बड़ा अजीब लग रहा है, पर गाइस आई थिंक सो ये चीज बहुत काम आएगा। देखो क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को पानी का बाटली चाहिए, पानी का बाटली बहुत दूर है, तो मेरे को ऐसा झुक के जाना पड़ता है। अगर मेरे पास ये मैकेनिकल आर्म होता, मेरे को झुकना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली ऐसा करके बाटली ले सकता है, जो भी मैं ले सकता हूँ। दूसरा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, कभी कभी ना पीठ में खुजली होती है, और वो खुजली वहाँ पे होती है जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच सकता। बात तो सही है, मतलब भावना समझो, मेरा ये हाथ है, मेरा ये हाथ यहाँ तक जा सकता है, हाँ, पर मेरे को खुजली इधर हो रही है, मेरा हाथ यहाँ तक खुजाने को नहीं पहुंच सकता, तभी मेरे को जरूरत है एक और हाथ की जो आगे से खुजाएगा इस हाथ के साथ साथ। आई थिंक गाइस ये एक बहुत काम की चीज है। तो इसलिए गाइस आज हम लोग ऑर्डर करने वाले ये रोबोटिक मैकेनिकल आर्म को, जिससे मैं खुजली करने वाला हूँ। All right guys, तो अपन ने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, और डिलीवर हुआ है ये क्या है वो बच्चा, उसको कौन सा उंगली दिखा रहा है? क्या चल रहा है ये सब? अच्छा नहीं सॉरी, वो दूसरा उंगली है, मेरे को लगा था गलत उंगली दिखाया जा रहा है। तो गाइज मैंने ऑर्डर किया था एक मैकेनिकल आर्म और मुझे डिलीवर हुआ है ये। इसके अंदर कैसा मैकेनिकल आर्म है? ओ एक सेकेंड, तो अपेरेंटली ये जो मैकेनिकल आर्म है, ये मैकेनिकल आर्म मेरे को बनाना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा टुकड़े टुकड़े में आता है और इन टुकड़ों को साथ में लगा के मुझे ये आर्म को बनाना पड़ेगा। व्हाट द हेल, अगर मेरे को अभी जोर से खुजाने को आ रहा है तो मैं इसको बनाने का वेट करेगा फिर खुजाएगा? गजब बेइज्जती है। तो पर्दन गाइस, आई थिंक सो इसको बनाने में एक्चुअली मजा आने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा सेट है, ये पूरा सेट ऐसे अलग अलग टुकड़ों में आता है, और तुम लोग को पता है कि मैं एक बड़ा बच्चा हूँ, तो मेरे को ये सब करने में बहुत मजा आता है। तो इसलिए गाइस आज हम लोग चल के इस डब्बे को खोलने वाले, और ये जो मैकेनिकल आर्म है उसको अपन खुद अपने हाथों से बनाएंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे। चलो ऑल राइट गाइस, तो ये डब्बा है और डब्बे के अंदर, अल्लाह इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। अरे मतलब अपने गोटिया का जरूरत पड़ेगा, रुको जरा फोन निकालने दो। ए गोटिया किधर है, पकोड़े खा रहा है? अरे जल्दी घर पे आ, वीडियो बनाने का है। अरे वो खुजाने के लिए नया हाथ मांगा है, मैं उसको असेंबल करने का, जल्दी घर पे आ। गाइस जब तक गोटिया आता है, अपन इस डब्बे को खोल के देखते हैं कि इस डब्बे के अंदर क्या है। तो सबसे पहले डब्बे के अंदर एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट है, क्योंकि अपने को इतना सब कुछ को एक करके बनाने का है, तो अपने को इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा। तो यहाँ पर डब्बे के अंदर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या करना है। अबे ये क्या है, ये क्या है, ये और ये क्या है? आई थिंक ये कुछ ना कुछ अपने को काम आने वाले बनाने में। ये चीज कुछ तो है, और ये भी कुछ तो लग रहा है, और ये क्या है? वो यहाँ पर दो कार्डबोर्ड के, अच्छा नहीं रुको, कार्डबोर्ड नहीं शायद से लकड़ी है ये। हाँ बाहर लिखा हुआ था हाई क्वालिटी फूड, यस ये लकड़ी का चीज है। तो ये जो लकड़ी है इससे अपने को बनाने का है। अब देखो गाइस, बचपन में ना मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था क्राफ्ट, क्योंकि मेरे को चीजें तोड़ ताड़ के बनाने बहुत मजा आता था, और आज हम लोग एग्जैक्टली वही चीज फिर से करने वाले। तो बेसिकली गाइस आज के वीडियो में भी अपन अपने बचपन के सपने पूरे कर रहे हैं। आज हम लोग भाई मस्त सा क्राफ्ट करके एक मैकेनिकल आर्म बनाने वाले हैं। और ये सब क्या है, सब रबर बैंड दिया है भाई। ये क्या है, इतने सारे रबर बैंड्स? ओ भाई बहुत सारे रबर बैंड्स है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, और ये बुक का साइज देखो, मतलब इसमें इतने सारे स्टेप्स है इसको बनाने के लिए। और यहाँ पर एक लेटर भी लिखा है, डियर पेरेंट अनलॉक योर रिवॉर्ड इनसाइड। अरे अरे मैं पेरेंट तो नहीं है, पर मैं बच्चा ही है, तो फिर भी मैं इसको रिवॉर्ड लेगा।
ओ यस डियर पेरेंट, रिवॉर्ड ले लो। क्या रिवॉर्ड है? स्कैन करो, रजिस्टर करो, कुछ तो है इधर। कोई बात नहीं, अपन देखेंगे इसको बाद में, इसको साइड में रखते। भाई मेरे को पहले चीज को बनाना है। ओ रुको, शायद से कोट्या आ गया। हाँ ओए कोट्या, इसको पकड़। ये देख आज हम लोग ये मैकेनिकल आर्म को बनाने वाले, मस्त वाला, ठीक है? इसको पकड़, अच्छे से रिकॉर्डिंग कर, बहुत मारो अंदर रिकॉर्डिंग हुआ तो, ठीक है? और यार गाइस, तो ये अपना इंस्ट्रक्शन बुकलेट है जहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे बनाना है इसको। और यहाँ पर वुडन पार्ट्स है, यहाँ पर ये वाला शीट है जो अपने पास है, और ये सारे चीजें दिए हुए हैं। इन सब चीजों को अपने को लगा के बनाना है और हम लोग ये वाले मैकेनिकल आर्म को बिल्ड कर रहे हैं। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी चालू करते इसको बिल्ड करना। गाइस हम लोग वीडियो बना रहे थे और वीडियो बनाते बनाते गोटिया नुबड़े को जोर से हगने आ गया और वो फटाक से भाग गया हगने को। क्या वीडियो बनाएगा रे तू, जब देखो हगने आता है। तो गाइस जब तक गोटिया हग के वापस आता है, मुझे तुम लोग को एक चीज, स्पेशल चीज बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। तुम लोग को पता ही होगा अपना जो ये वाला चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर से कितना करीब है। आई नो ये 10 नहीं है, पर दूसरा हाथ मेरा बिजी है फोन पकड़ने में, जिसका मतलब ये वाला जो डायमंड प्ले बटन है वो लिटरली ऐसा मेरे हाथ के ऊपर ही छोड़ रहा है। तो अगर तुमने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उसको जाकर दबा दो, और ये जो डायमंड प्ले बटन ये फट से मेरे हाथ में गिर जाएगा और ये प्ले बटन मेरे को वहां भी लगाना है। और अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। आज वीडियो का लाइक गोल रखते 50,000 लाइक्स का। और लगता है घोटे आ गया, आ रहे जल्दी वीडियो बनाने। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर जो स्टेप नंबर 1 है, हम लोग सबसे पहले बना रहे हैं थंब एंड फिंगर्स, और इसके लिए जो पार्ट्स रिक्वायर्ड है वो ये वाले हैं और ये वाले। तो मैंने डिस्कवर अभी ये किया है कि यहाँ पर लिखा है शीट नंबर 1 और यहाँ लिखा है शीट नंबर 2 और यहाँ लिखा है शीट नंबर 3। साले शीट नंबर 3 किधर है? ओ आई थिंक ये शीट नंबर 3 है, यही है ना शीट नंबर 3? नहीं है, यहाँ पे 2 शीट था। ये है शीट नंबर 1, ये है शीट नंबर 2, तो शीट नंबर 3 किधर है? डब्बे में शीट नंबर 3 आया नहीं क्या? गाइस क्या अपना स्कैम हो क्या? शीट नंबर 3 किधर है? ए? शीट नंबर 3 दिया ही नहीं। गाइस स्कैम हो गया मेरे साथ, फिंगर बाइंडर। गुट्टिया मेरे को लग रहा है अपने साथ स्कैम हो गया, अपने को शीट नंबर 3 मिला ही नहीं। क्या ये फिंगर बाइंडर है? ये भी तो नहीं है। तो फिंगर बाइंडर किधर है? हमको 16 फिंगर बाइंडर चाहिए और पूरा का पूरा शीट नंबर 3 गायब है। गाइस आई थिंक अपने साथ स्कैम हो गया गंदा वाला। 2 आवर्स लेटर गाइस, ये रहा शीट नंबर 3। जैसे ही हमने बुक को देखा, बुक में लिखा है शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, और ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। एक्चुअली मैंने पढ़ा था, मुझे ध्यान में था, पर ये गोट्या ना इसको लेकर छुपा दिया था। बड़ा हराम ये गोट्या, तुम तेरे को एक दिन पकड़ के बहुत मार हुआ गोट्या में। ऑलराइट गाइस चलो, तो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर। तो अपने को अभी क्या क्या चाहिए? तो यहाँ पर 1, 2, 3 से लिखा हुआ है और ये सारे जो पार्ट्स है ये ऐसे थैले वैले में है। गोट्या थैला दिखाओ, थैला देखो, ये थैले वैले में ऐसा आया। ये थैले से चीजें चाहिए अपने को, अपने को इससे भी चीजें चाहिए, ये सब मिलजुल के अपने को सब पार्ट्स मिलने वाले। तो सबसे पहले अपने को चाहिए 2 थंब लिंक, जो मैंने इधर निकाल लिया है, ये रहे अपने 2 थंब लिंक्स। उसके अलावा अपने को चाहिए थंब बाइंडर। थंब बाइंडर किधर है? अब लखना पता है क्या है इसमें जो है ना, वो मुझे ये शेप में ढूंढना पड़ेगा ऐसे देख देख के कि वो चीज किधर है। गाइस वेलकम टू डोरा द एक्सप्लोरर, हमें चाहिए एक थंब बाइंडर। क्या तुम्हें थंब बाइंडर दिख रहा है? क्या तुम्हें थंब बाइंडर दिख रहा है? टेंशन मत लो, मेरे को भी नहीं दिख रहा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्सट्रीम लेवल डोरा द एक्सप्लोरर, जहाँ पे मेरे को भी नहीं दिख रहा है वो क्या चाहिए। ऑल राइट, तो थंब बाइंडर अभी ऐसा डिजाइन का है, तो ऐसा डिजाइन इधर किधर अपने को वो ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है थैंकफुली फिंगर पार्ट्स, मतलब अपने को उंगली के सारे पार्ट्स में ही थंब बाइंडर मिलना चाहिए। वो क्या थंब बाइंडर कौन सा दिख रहा है तेरे को? थंब बाइंडर ऐसा 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 प्लस ऐसा ऐसा देख के लग रहा है शेवरलेट का लोगो है। कोटा देखो इधर की तरह, शेवरलेट का लोगो दिख रहा है क्या? ये गाइस क्या आपको थंब बाइंडर दिख रहा है? क्या ये थंब बाइंडर है? गाइस गोटे को सबसे पहले दिख गया थंब बाइंडर किधर है। अबे टूट गया। अच्छा नहीं सर, टूटा नहीं, मैं डर गया था भाई, मेरी फटके हाथ में आ गई थी एक्सीडेंटली, टूट गया। गाइस गोट्या ने बचपन में बहुत डोरा द एक्सप्लोरर देखा है, उसको सब पता है कैसे करना है। और अगला अपने को चाहिए थंब सपोर्ट, जो कि इधर है, ये मेरे को दिख गया जल्दी से, थंब सपोर्ट मेरे को दिख गया, थंब सपोर्ट निकाल लिया। अगला क्या चाहिए? थंब टिप प्लेट। अगला थंब टिप प्लेट क्या होता है? थंब टिप प्लेट किधर है गोट्या? ये थंब टिप प्लेट मिल गया। इसको ना ऐसे निकाल लेगा, ऐसे 3, 2, 1 गोट्या अगर मैं इसको जोर से मारू तो टूटेगा नहीं ना। अबे साले तू कैमरा हिला के बात कर रहा है, मुंह खोल के बोलना। ओ नहीं टूटा, ओ निकल गया थंब बाइंडर, अभी सॉरी थंब पिन टिप प्लेट। अगला चाहिए अपने को लिंक लॉकर, 2 लिंक लॉकर चाहिए। लिंक लॉकर किधर है? लिंक लॉकर, लिंक लॉकर, लिंक लॉकर, लिंक लॉकर, लिंक लॉकर, लिंक लॉकर, ये रहा लिंक लॉकर। अपने को चाहिए 2 लिंक लॉकर। ये आ गया 1 लिंक लॉकर,
ये आ गया दूसरा लिंक लॉकर। फिर अपने को चाहिए थंब लिंक टू। थंब लिंक टू किधर है? थंब लिंक टू ये रहा है ना, दो थंब लिंक टू आ गए। फिर अपने को चाहिए लिंक लॉकर टू, ये वाले अपने को दो चाहिए। फिर अपने को चाहिए थंब बाइंडर टू। थंब बाइंडर टू तितली की तरह दिखता है। थंब बाइंडर टू किधर है? थंब बाइंडर टू आई थिंक ये थंब नहीं, ये थंब बाइंडर नहीं। गुड्डा थंब बाइंडर किधर है? गुड्डा क्या तेरे को थंब बाइंडर टू दिख रहा है? Guys, welcome to Dora the Explorer. क्या तुमको Thumb Binder 2 दिख रहा है? क्या Thumb Binder 2 इधर है? या Thumb Binder 2 उधर है? या Thumb Binder 2 तुम्हारे घर में है? कहाँ है Thumb Binder 2? मेरे को भी नहीं पता Thumb Binder 2 किधर है। गोटिया तू बैठा नहीं ना Thumb Binder 2 के ऊपर? सारे गोटिया बैठ जाता अच्छी से दबा के नीचे, मिलता नहीं है मेरे को। फिर ढूंढता रहा तो पूरा घर में किधर है, फिर मालूम पड़ा गोटिया के पिछवाड़े के नीचे पड़ा है। बेशरम है गोटिया। Thumb Binder 2 मेरे को अभी तक नहीं दिख रहा है। ओ मिल गया, ये रहा ये रहा। यार यहाँ पे देख के साइज समझता भी नहीं है यार। गोटा ये देख ये थंब बाइंडर टू बराबर, इसका साइज कैसा दिख रहा देख। हाँ अभी देख ये क्या है, थंब लिंक वन, हाँ थंब लिंक टू। अभी तो इसका साइज देख, इसका साइज देख, फोटो देख के सेम साइज लग रहा है। इधर ये इतना बड़ा, इधर इतना छोटा, समझता ही नहीं कौन सा क्या है। ओके थंब बाइंडर हो गया। अभी अपने को चाहिए बैंड लॉकर, अपने को 12 बैंड लॉकर चाहिए। बैंड लॉकर कौन सा है? ये क्या बैंड लॉकर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ ये बैंड लॉकर 12 चाहिए। चलो 12 बैंड लॉकर, चलो निकलो। ऐसा लग रहा है कॉर्नफ्लेक्स खा रहा हूँ मैं। गाइज ये सब चीजें हमारे बचपन में क्यों नहीं मिलता था यार? हमारे बचपन में ये सब चीजें मिलता तो कितना मजा आता था यार। अभी बड़े हो गए, अभी ये चीजें मिल रहा है। पर नहीं गाइज, हम बड़े हो चुके पर हम बड़े बच्चे रहने वाले हमेशा। ऑलराइट आ जाओ, अभी अपने को चाहिए फिंगर वॉल वन। फिंगर वॉल किधर है? अभी ये फिंगर वॉल किधर है? फिंगर वॉल ये क्या? 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ ये चाहिए फिंगर वॉल। चलो बाहर आ जाओ, चलो भाई कितने टुकड़े बाहर आ रहे हैं यहाँ से। ओके okay, ये रहा फिंगर वॉल। फिर चाहिए फिंगर वॉल टू, 1 2 3 4 5 6 7 ये रहा फिंगर वॉल टू है ना, है ये ना। हाँ ओ नाइस, कचरा हो गया भाई पूरा, इधर कचरा बन गया। वो देख कचरा, देख ये देख कचरा। अब मेरे को पता भी नहीं कौन सा वाला क्या है। मैंने अभी ये सब चीजें ऐसा करके निकाल लिया, मेरे को पता भी नहीं कौन सा वाला क्या है, कौन सा किधर जाएगा। बाद में वो बोलेगा थंब बाइंडर, मुझे पता भी नहीं थंब बाइंडर कौन सा इनमें से। पर चलो एनीवे देख लेंगे। फिर अपने को चाहिए फिंगर वॉल थ्री। फिंगर वॉल कौन सा है? 8 चाहिए, 1 2 3 4 ये रहा फिंगर वॉल थ्री, ये रहा ये। अबे गलत चीज निकल गया गलत साइड से फिंगर वॉल निकल गए, बहुत सारे ढेर सारे फिंगर वॉल निकल गए। फिर अपने को चाहिए फिंगर बाइंडर टू। अबे इतना चीजें क्यों चाहिए अपने को? 4 फिंगर बाइंडर चाहिए जो ये है। तो इसको साइड में रखना पड़ेगा, इसको गुटिया इसको मिक्स नहीं करना, ये साइड में अलग से रखा है मैंने, इसको मिक्स नहीं करना, वो निकल गया गलती से। अपने को 4 फिंगर बाइंडर टू चाहिए और अपने को चाहिए स्ट्रिप लॉकर, जो कौन सा है स्ट्रिप लॉकर, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 12 स्ट्रिप लॉकर चाहिए। और अपने को चाहिए फिंगर टिप प्लेट, आई थिंक ये फिंगर टिप प्लेट है ना। एक बात बताओ, ऐसा अलग अलग करके निकलवाने की जगह सीधा बोल देते यहाँ पे फिंगर पार्ट्स का जो पूरा डब्बा है उसको निकाल ले, मैं एक बार में निकाल लेता, फालतू का इतना मेहनत करवाया। ऑलराइट तो अपन ने ये सब चीजों को निकाल लिया शीट वन से। अभी अपने को शीट टू से चाहिए थंब पिवट। थंब पिवट कौन सा है? ये रहा शीट टू। शीट टू थोड़ा हैवी है, तो थंब पिवट कौन सा है शीट टू में? थंब पिवट कौन सा है? उठे देखो दिख रहा है थंब पिवट, ये रहा ये ना भाई, ये थोड़ा ज्यादा मोटा है। ऑलराइट तो हमने सब कुछ निकाल लिया, अभी अपने को ये चाहिए शीट नंबर 3। और शीट नंबर 3 से अपने को निकालना है फिंगर बाइंडर 16। ये रहे फिंगर बाइंडर्स। अबे ये प्लास्टिक का है, इसको भी निकाल लेंगे साइड में। 16 चाहिए, 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16। अभी तो एक बार में बोल लो ना सब निकालना है, ठीक है? अलग अलग से 16 लिखा है, एक बार में बोल देना सब निकालना है, मैं सारे निकाल ही दूंगा एक बार में आराम से। ऑल राइट तो हमने ये सारे भी निकाल लिए, ये हो गए अपने 16 फिंगर बाइंडर 1। और अभी अपने को आखिर में चाहिए ये सारे चीजें, तो ये रहा फोम वाला। आई थिंक अपने को फोम वाले से निकालना है ये फिंगर टिप कुशन, जो अपने को 4 चाहिए। ये 4 फिंगर टिप कुशन आ गया। और अपने को चाहिए थंब टिप कुशन, जो भी शायद से इधर ही है। थंब टिप कुशन किधर है? थंब टिप कुशन किधर है? इसी में है क्या? थंब टिप कुशन किधर है? गाइस वेलकम बैक टू डोरा द एक्सप्लोरर। क्या तुमको यहाँ पे थंब टिप कुशन दिख रहा है? पता नहीं मेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मे भी दिख रहा है। आई थिंक ये है थंब टिप कुशन, सर ये देख के लग रहा है ना उसकी तरह। गोटा इधर देख, ये देख के लग रहा है इसकी तरह। हाँ हाँ कि ना? अच्छा तो ऐसा है कैमरा है ना कि तू हाँ बोलता है, बेशरम। हाँ लग ही रहा है, ठीक है चलो हो गए ये चीजें। अभी अपने को रबर बैंड चाहिए और अपने को स्ट्रिप चाहिए। हमको स्ट्रिप कौन सा चाहिए? यहाँ से अपने को स्ट्रिप चाहिए ये वाला। अपने को 4 स्ट्रिप चाहिए। सारे सेम ही है क्या?
डन, बहुत कुछ निकाल लिया। और यार गाइस, तो अभी अपने को इन सब चीजों को ऐसा, अभी वो कांच वाला किधर गया? ओ ये रहा। तो अभी अपने को इन सब चीजों को असेंबल करने का है इसको देख के। और यहाँ पर ये जो मैं डब्बा लेके बैठा हूँ, ये डब्बे में यहाँ पे सारे रबर बैंड रखे। तो यहाँ पर तुमने देखा रहेगा कि इन लोगों ने बोला था कि अपने को ये सब रबर बैंड चाहिए। मैंने इनको निकाला नहीं है, मैंने इनको यहाँ पर ऐसा रख दिया है। मैंने बेसिकली यहाँ पे एक ठेला गाड़ी लगाया। तो यहाँ पे देखो, लोग आके ऑर्डर देंगे, उंगली चाहिए, ठीक है, उंगली चाहिए। उंगली के लिए क्या चाहिए? यहाँ से पार्ट लेना है, यहाँ से ऐसे मसाले लेने, ऐसे लगाने, इसको लगाना, एक करना, भाई बन गया। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली भेलपुरी का दुकान खोला है। गोटिया कैमरा को आ रहे तेरे पकड़ रहा, गोटिया तेरा हाथ दुख जाएगा, नुबड़े ठीक से कैमरा पकड़। ऑलराइट गोटिया इधर दिखा। ऑलराइट, तो अपन सबसे पहले क्या करने वाले, सबसे पहले अपने को ये वाला चीज चाहिए जो किधर है मेरे को नहीं मालूम। इन सबके बीच में यहाँ पर पूरा मैंने कचरा करके रखा है, मुझे खुद को पता नहीं कौन सा वाला चीज किधर है। तो अपने को ये चाहिए, और ये किधर है गाइस? Here we go again. Welcome back to Dora the Explorer. क्या तुमको यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है? मेरे को भी नहीं दिख रहा है। किधर है ये वाला पार्ट? ओ ये रहा, मिल गया, ये मिल गया। अबे ये वाला पार्ट, ओके। तो अपने को इसको इसके अंदर घुसाने का है। I think so, ये सही है, ऐसे ही है, I think so, यही है ना गुट्ठा? हाँ यही है, ये इसको घुसाने का है। और फिर यहाँ पे अपने को चाहिए टाइनी बैंड, ब्लू कलर का है, I think ये टाइनी बैंड है। कौन सा बैंड है वो देखने दो पहले, ओके। ये टाइनी बैंड है, ये मीडियम बैंड है, ये स्मॉल बैंड है, और ये मीडियम बैंड है, ओके ठीक है चलेगा। टाइनी बैंड। तो अपने को अभी क्या करने का है, अपने को इसको लेने का है, अपने को यहाँ से एक टाइनी बैंड लेने का है, और टाइनी बैंड को अपने को इसमें ऐसे घुसेड़ देना है। डन, ये चीज लग गया। अभी इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप में अपने को ऐसा वाला पार्ट है जो किधर है मेरे को नहीं पता, फिर से अपने को इसको दूसरे साइड में डालने का है। किधर है दूसरा वाला पार्ट? गोटे देखो, दिख रहा है किधर है? मेरे को नहीं दिख रहा है किधर है। अभी इसका दूसरा वाला पार्ट है कि नहीं है? ओ ये रहा। थैंक यू गोटिया, गोटे को दिख गया मेरे पहले। अपने को इसको लेने का है रबर बैंड को, और ये लग गया इधर भी रबर बैंड। तो इसी के साथ गाइस हमने इसको बना लिया है। अभी अगला क्या करने का है? अगला अपने को इसको घुमाने का है, ऐसा गोल गोल घुमाने का है। यस, गोल गोल मैंने घुमा लिया। ओके गाइस, अपन ने इसको गोल गोल घुमा लिया, अपना स्टेप टू कंप्लीट। स्टेप थ्री में अपने को ये खेकड़ा वाला चाहिए, और ये खेकड़े वाले में अपने खेकड़ा वाला, ये रहा खेकड़ा, और खेकड़े वाले के अंदर अपने को ये डालना है। ये चला गया खेकड़े वाले के अंदर, ऐसा गया, ये खेकड़े के अंदर ये लग गया। अभी अपने को ये खेकड़े वाले को लेने का है, और इसको लेके इसको कहाँ घुसाने का है? ओ इसको अब इसको ऐसे घुसाना है, ऐसे, आई थिंक सही घुसा रहा हूँ ना मैं, आई थिंक सो। हाँ ये रहा, ये घुस गया। और गाइस ये बन चुका अपना पहला मूविंग पार्ट। फिर अपने को क्या करने का, अपने को टर्न करने का। यस, अपन ने टर्न कर लिया। स्टेप फाइव में अपने को लेने का है ये वाला, और ये वाले के ऊपर अपने को लगाने का है ये वाला, आई थिंक ऐसा, और फिर अपने को लगाने का है ये बड़ा वाला रबर बैंड। ठेला गाड़ी खोला है, दुकान खोला है मैंने यहाँ पे। ओके ये लग गया। स्टेप फाइव इसको टर्न करने का, इसको हमने टर्न कर दिया। ओके डन। स्टेप सिक्स किधर है? स्टेप सिक्स में क्या करना है? स्टेप सिक्स में अपने को इसको लेने का है, और इसको लेके इसको यहाँ पे डालना है ऐसे। तो ये जाएगा, ओ नहीं ऐसे डालना है, ऐसे और ऐसे। डन, ये भी लग गया। स्टेप सेवन, टर्न करो। यस, टर्न करो गोल गोल। अभी मेक श्योर द टीथ ऑन द थंब लिंक्स वन फेस फॉरवर्ड टुवर्ड्स थंब टिप कुशन। यस बराबर है। स्टेप नंबर एट में क्या करने का है? स्टेप नंबर एट में अपने को ये गोल गोल वाला लेने का है, ये वाले गोल को अपने को ऐसा लगाने का है। आई थिंक इसको ऐसा लगाने का है, आई थिंक सो, मैं सही लगा रहा हूँ। ओके, और अपने को एक स्मॉल बैंड लेने का है। वेयर गाइस, तो हमने थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लिया, अपन ने ये सब चीज साइड में लगा लिया है। अगला अपने को ये वाला चीज लेने का है। ये वाला किधर है? ये वाला किधर है? साला मिल भी नहीं रहा ये वाला किधर है। ये वाला यहाँ पर कहाँ पे लगने वाला है? ये वाला यहाँ लगना है, यहाँ पर। तो यहाँ पे लगाने के लिए ये रहा। क्या इसको ऐसे लगाने का है, और इसको लगाने के बाद अपने को दो टाइनी बैंड लगाना है, दो टाइनी बैंड लगाना है। ओके, अब इसके बाद ये वाला करना है। गाइस ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मेरे को लगा था 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, पर ये प्रोसेस बहुत लेंथी है, इतने सारे पेजेस का है। तो अभी गाइस गोटिया कैमरा पकड़ के बैठा है, पर मेरे को अभी गोटिया की मदद की जरूरत है, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 20 मिनट से मैंने सिर्फ ये बना। तो अगर इस स्पेस में चलता रहा तो ये जो हाथ है, ये हाथ मेरा
चार दिन बाद बने। तो गोटिया थोड़ा सा कैमरा को रख दे, तू भी साथ में आ जा, बनाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं और गोटिया मिलकर इसको बनाना चालू करेंगे, और जैसे ही अपना एक एक उंगली होता है अपन तुमको दिखाते रहेंगे कि गाइस अपन ने ये बना लिया। तो अभी देखो गाइस इसको ना, ये देख कर लग भी रहा है ये उंगली है। तो ऑलराइट गाइस जल्दी चल के इसको कंप्लीट करते हैं और फिर अपन तुमको उंगली बना के दिखाते हैं। ये रहा उंगली। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने ये थंब बना लिया एक, और हमने ये एक उंगली बना लिया। अभी ये देखो, ये उंगली ऐसा टर्न होता है, मस्त वाला बेंड होता है ऐसा, और ये थंब है ये भी ऐसा बेंड होता है। अभी ये जो उंगली है, मैंने एक ही उंगली बनाया, अभी ऐसे अपने को और तीन उंगली बनाना है। ये अपन दो उंगली बना तो चलेगा गोटिया ना, ऐसा अवतार बन जाएंगे गोटिया, चलेगा? मतलब ऐसा तीन उंगली करे गोटिया, जादू बन जाएगा, ऐसा जादू की तरह ऐसा ऐसा एक थंब रहेगा और दो उंगली रहेगा ऐसा, जादू ओम 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 ऐसा कोई करेंगे तो आएगा, है ना गाइस? एक काम करते, बेस्ट आइडिया है, अपन ना इतने सारे उंगली नहीं बनाते, अपन सिर्फ बनाएंगे तीन उंगली, ठीक है? मैं बनाएगा जादू, ऐसा तीन उंगली रहेगा अपने मैकेनिकल हाथ के ऊपर, फिर ऐसा करेंगे अपन ओम 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 ओम। जादू ऐसा आवाज करता है क्या? हाँ नहीं, वो तो रोहित ऐसा करके बुलाता तभी जादू भाग भाग के आता है, वो जादू नहीं करता है आवाज। जादू क्या करता होता है क्या? धूप गू। गाइस एक तुम लोगों को सीक्रेट बताता हूँ, जब मैंने पहली बार कोई मिल गया देखा था, मेरे को लगा था जादू धूप की जगह गू बोलता है, मैंने लेजिट में गू सुना था, मैं बोला गू, बोला गू क्यों बोल रहा है वो नीला नुक्कर, गू क्यों बोल रहा है, फिर मालूम पड़ा गू नहीं बोलता है, धूप बोलता है। गाइस ऐसा लग रहा है स्कूल का प्रोजेक्ट करने बैठा हूँ, ये अभी दो तीन उंगली बन गया है, लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा है मैं स्कूल का प्रोजेक्ट करने बैठा हूँ, ऐसा बुक लेके पढ़ रहा हूँ, बुक में क्या लिखा है, किसको कहाँ पे लगा रहा हूँ, उसको लगा रहा हूँ, उनको बिठा रहा हूँ। तो ये ऑलमोस्ट दो तीन उंगली बन चुका है, एक लास्ट उंगली बचा है, उसके बाद हमारे सारे उंगलियां बन जाएंगे, अपन अगले स्टेप पे जा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, स्टेप नंबर वन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये हमने थंब बना लिया है और ये हमने हमारे चार उंगलियां बना ली है, ये सारे के सारे उंगलियां अपने तैयार है। तो इसी के साथ गाइस स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो चुका है, और स्टेप नंबर वन करने में बहुत टाइम लगा गाइस, लिटरली आई थिंक होता है एक डेढ़ घंटा हो गया रहेगा ना, एक घंटा हो गया आराम से करते करते, एक डेढ़ घंटा हो गया आराम से। तो ये सब उंगलियां लगाने में बहुत टाइम गया, तुम ये उंगलियों को देखो, एक एक जगह पे रबर बैंड लगा हुआ है, पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ फिर ये बनाओ फिर इसको लगाओ फिर उसको लगाओ, बहुत टाइम गया, ये बन चुका है। तो ऑलराइट गाइस इसी के साथ स्टेप वन कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग बढ़ने वाले स्टेप नंबर टू पे। सच्ची लग रहा है घोटे ऐसे साइंस का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मतलब गाइस अभी ना मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पर अगर ये चीज मेरे पास बचपन में होता तो मैं ना इसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऐसा आराम आराम से बनाता, आज एक उंगली बनाऊंगा, कल एक और उंगली बनाऊंगा, परसों एक और उंगली बनाऊंगा, मतलब बनाने के टाइम अलग मजा और बन गया उसके बाद अलग मजा खेलने का। चलो गाइस जल्दी चलते नेक्स्ट स्टेप पे। ऑलराइट गाइस, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है द पाम। द पाम के लिए अपने को बहुत सारे पार्ट्स चाहिए, तो अपन सारे पार्ट्स को निकाल लेते हैं और अपन इसको बनाना चालू भी कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको बनाने में आई थिंक यस ये पूरा पाम बनाने में बहुत टाइम जाने वाला है, तो अपन सारे पार्ट्स को निकाल लेते हैं और फटाफट गोटिया तू भी हेल्प कर भाई, दो हाथ काफी नहीं है, चार हाथ चाहिए इसको बनाने में, बहुत टाइम लग रहा है। लिटरली सोचो गोटिया और मैं दोनों मिलकर बनाए, फिर भी एक घंटे के ऊपर लग गया इन उंगलियों को बनाने में, तो अगर मैं अकेले करता तो दो तीन घंटे लग जाते, तो जल्दी जल्दी करते भाई गोटिया आ जा, फटाफट इसको बनाते हैं, पाम को तैयार करते हैं और फिर होपफुली अपना ये हाथ जल्दी तैयार हो जाएगा। चल गोटे जल्दी आ जा। ऑलराइट गाइस, अगले वाले स्टेप के लिए लिटरली सब कुछ चाहिए, तो मेरा पूरा बेड अभी भर गया चीजों को लेके, और ये हमने इसको बनाना चालू भी कर दिया है, ये इतना लगा है अभी, ये है, ये मेरे को लग रहा है अपना प्लेट है जिसपे अपना हाथ रखेगा और फिर इससे सारे उंगलियां बाहर आएंगे। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें निकाल के रखे, तो अभी बनना चालू हो चुका है, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर होपफुली अगले आधे घंटे में ये बन जाएगा और फिर मैं पीठ खुजा पाऊंगा। मैंने लिटरली एक पूरा चीज खरीदा पीठ खुजाने के लिए, और मैं इसको बना भी रहा हूँ बैठ के, रात के कितने बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, 3 बजे बैठ के बना रहा हूँ पीठ खुजाने के लिए। नाइस गाइस, और आई थिंक आधा घंटा बीत गया अभी, और ये हाथ तो अपना तैयार ही है, ये उंगलियां तैयार है, अभी हमने ये पता नहीं क्या तो बनाया, और एक्चुअली आई थिंक ये लास्ट टाइम नहीं लगाया था, तो हमने कुछ तो ये लगाया, आई डोंट नो इससे क्या होएगा, पर अपन ने कुछ तो लगाया और हमने ये भी लगा लिया, ये सब बना लिया, अभी अपने को इन चीजों को इस पे इंस्टॉल करने का है कुछ तो करके। और यस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 पे x जाएगा, इस पे y जाएगा, और यहाँ पे 3x है और 1y है। ओके चल के इनको इस पे इंस्टॉल करते हैं। ऑलराइट गाइस, इनको लगा दिया, अभी ये देख के लग रहा है कि यहाँ पे अपने को अपने उंगलियां डालने हैं, इसमें अपना थंब डालना है इस वाले में और इसमें अपने उंगलियां डालने हैं। तो अपना जो मैकेनिकल आर्म है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस अभी इसका इनमें आई थिंक इन उंगलियों को लगाना बचा है, बाकी हो गया आई थिंक ये सब, देखो सब पार्ट्स खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया अपने पास, कुछ बचा नहीं है, अब बस उंगलियों को फिट करना है और उनको बस लगा देना है और अपना मैकेनिकल आर्म तैयार हो जाएगा, और फिर गाइस मैं आराम से पीठ खुजा सकता हूं। नींद भी बहुत ज्यादा आ रहा है, 3 बज रहे रात के, पीठ भी खुजाना है, सोने भी जाना है, तो जल्दी बनाते हैं, पीठ खुजाते हैं, फिर सोने जाते हैं। गाइस उंगली टेस्टिंग 1
सब कुछ लग गया है, उंगलियां भी मस्त चल रहा है, बस मेरा थंब नहीं जा रहा है इसके अंदर। पता नहीं क्या करना, कुछ तो करना पड़ेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि ये मेरे हाथ के लिए नहीं बना हुआ है, मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही बड़ा है इसके लिए, या तो ये अभी तक बनना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको पूरा करते पहले फिर देखते हैं। पर यस, उंगली टेस्ट 1 सक्सेसफुल गाइस। गाइस अपडेट है, अपन ने इसको लगा लिया है इसमें ऐसा हाथ को पकड़ने का और फिर यहाँ पे उंगली को घुसाने का, और ये तैयार है। अभी अपना अगला स्टेप जो है, ये जो उंगली है अभी इन उंगलियों को अभी इंस्टॉल करने का इस पे इधर, तो अगले स्टेप पे जल्दी बढ़ते हैं। ओके, इसको ऐसा लगाने का है और इसको उस पे अटकाने का है। नाइस। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करने का, अपने को उंगली लेने का है। उंगली को लेके अपने को इसको ऐसा घुसेड़ने का है इधर। ये चला गया यहाँ पर ऐसे, आई थिंक ये सही है ऐसे, और फिर अपने को इसको लेने का है और इसको लगा देने का है इसके ऊपर यहाँ पर, और अभी अगर आप इसको खींचेंगे तो यस, इसको अटकाने का भी है। रुको जरा, मैं इसको अटकाया नहीं, आई थिंक सो अपने को, हाँ अपने को इधर से ये बैंड भी लगाने का है। मेरे को अभी डाउट आ रहा है गाइस ये कितना मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कागज से हम लोग इसको खींच रहे हैं, तो अभी अगर इस उंगली को ऐसे खींचेंगे तो ये यहाँ पर उंगली चलेगा क्या? उंगली डायरेक्टली एक साथ देगा, ऐसा ऐसा उंगली फोल्ड नहीं होएगा? ओ हाँ होएगा, होएगा फोल्ड होएगा, ये देखो ऐसा होएगा। यस गाइस, एक्सपेरिमेंट इज अ सक्सेस गाइस, अपन फाइनली उंगली हिला पा रहे हैं। ये देखो अपने रोबोटिक आर्म का पहला उंगली हिल रहा है, ये देखो। नाइस, अभी अपने को ऐसे और बाकी की उंगली लगाने का है। मैं इसको पता नहीं क्यों घुमा रहा हूँ बार बार, बट इट्स ओके, सॉरी गाइस, अभी अपन बाकी की उंगली लगा लेते। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो मैकेनिकल आर्म है वो तैयार हो चुका है। लिटरली इसको बनाने में 3 घंटे चले गए ऑलमोस्ट, मतलब कुछ कुछ चीज हमने गलत लगा दिया था, उसको खोल के वापस लगाना पड़ा। तो अपना पूरा मैकेनिकल आर्म तैयार है, और ये आर्म देखो क्या खतरनाक सा दिख रहा है। मतलब ये आर्म देख के मेरे को डर तो लगेगा कि कुछ तो है भाई, कुछ तो है भाई, कहां से बंदूक के गोलियां वोलियां निकल के, कुछ तो मेरे को देख के डर लगेगा। तो ये जो थंब है, ये थंब गियर से मूव होता है, यहाँ पर गियर्स लगा हुआ है, बाकी सारे उंगलियां ये कागज से हम लोग इसको खींचते हैं ऐसे ऐसे। तो ये चीज बन चुका है, अभी चल के अपन इसको अपने हाथ पे लगाते और लगा के इसको ट्राई करते। ऑलराइट गाइस, अपना ये हाथ बन चुका है, अभी टाइम आ चुका है इसको पहनने का और पहन के खुजाने का। ऑलराइट, तो ऐसे अपने को हाथ डालना है अंदर, तो टाइट लग रहा है गुटिया, ऐसा लग रहा है छोटे बच्चों के लिए बना है, जो एक्चुअली जो बच्चों के लिए बना है, लिटरली ऊपर छोटे बच्चों का फोटो दिया हुआ है, और इसको मैं लिख के यूज कर रहा हूँ। ओके, हाथ को हमने डाल लिया अंदर, आई थिंक अच्छे से हाथ को अंदर डालना है, थोड़ा और डालना है। ओके, अबे थंब में तो जा ही नहीं रहा है मेरा हाथ, आई थिंक हम लोग उसको यहाँ पकड़ सकते हैं। ओके, थोड़ा और हाथ अंदर डालना है, और यस, ये देखो गाइस अपनी मैकेनिकल आर्म काम कर रही है। ओ भाई, ओ भाई बोटिया, मैं इससे ये भी कर सकता हूँ। ओके, ये नहीं करना है। तो गाइज, ये जो आर्म है ये कुछ इस तरह से काम करता है, और इसका थंब भी काम करता है ऐसे, बस थंब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है उसको यूज करने में, बट ये जो आर्म है वो कुछ खास खतरनाक सा लग नहीं रहा है। बट गाइज, नाउ इट इज टाइम फॉर द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, क्या ये हाथ मेरे लिए खुद नहीं कर सकता है? सबसे पहले हम लोग इसको खुजा के ट्राई करेंगे अपने शक्ल पे। तो यार खुजली नहीं, तो गुदगुदी कर रहा है गोटिया, जरा गुदगुदी करो तो गोटिया, तेरे को गोटिया गुदगुदी हो रहा है गुदगुदी हो रहा है गोटिया यार खुजली का नहीं, गुदगुदी है काम की चीज है यार। ये देखो, इसके ऊपर जो रबर लगा हुआ है ना, ये रबर उन्हें क्यों दिया, ताकि चीजों को हम पकड़ सके, बट ये रबर खुजली करने नहीं देगा। तो आई थिंक अगर मैं खुजली करने का गोटिया, मेरे को इसको निकालना पड़ेगा ना। अगर मैं रबर को निकाल दूं तो अपन इससे मस्त वाली खुजली कर सकते हैं, क्या प्यारी खुजली होगी, पर अभी के लिए ये गुदगुदी काम आएगा। बट गाइस, एक तो ये मैकेनिकल आर्म है, तो सबसे पहले चल के हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या ये मैकेनिकल आर्म चीजों को उठा सकता है। और यार गाइस, मेरे को अभी इससे ट्राई करना है कि क्या हम इस मैकेनिकल आर्म से कुछ चीजों को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस छोटे से बॉटल को रखा है, और क्या ये बॉटल इससे उठेगा? यस, ये बॉटल इससे आराम से उड़ गया, और बॉटल को रख भी सकते हैं। और क्या हम इससे इस माइक को पकड़ के हिला सकते हैं? ओ यस, हम इस माइक को, ओके इस पे ताकत नहीं है, ये खींच नहीं सकता। ओ खींच भी रहा है ये, मतलब स्ट्रेंथ है इसमें, मतलब चीजें उठा सकता है। ओके ओके, ये रहा एक लोहे का फोन स्टैंड, तो ये नहीं उठ रहा है,
अरे सही से ग्रिप नहीं आ रहा है, इसको उठाने के लिए ऐसे गोल गोल सिलेंड्रिकल चीजें चाहिए तो ही उठेगा। वेट अ सेकंड गाइस, ये रहा एक आधा भरा हुआ बॉटल, तो इसमें ऑलमोस्ट पकड़ लो आधा लीटर पानी है। तो क्या ये आधे लीटर पानी को उठा सकता है? तू थोड़ा साइड में जाओ, तुम थोड़ा उधर जाओ, उधर जाओ। हाँ, क्या ये आधे लीटर पानी को उठा सकता है? इट इज टाइम टू टेस्ट इट। घंटा रुको, फिर से, क्या ये आधे लीटर पानी को उठा सकता है? घंटा कुछ नहीं उठा सकता। क्या ये चीज माउस को खिलखिला सकता है? ओ यस, इससे हम लोग माउस को प्रेस कर सकते हैं, पर हम लोग इससे माउस को हिला नहीं सकते। ओके गाइस, ये मैकेनिकल आर्म बढ़िया है, बट आई डोंट थिंक इससे हम लोग ज्यादा चीजें कर सकते। ये मेरे को ना बस ऐसे ही शो ऑफ करने के लिए सही लग रहा है, इससे हम लोग कुछ ज्यादा चीजें कर नहीं सकते। ये शो ऑफ करने के लिए सही है और गोट्टा को गाली देने के लिए सही है, बस इतना ही हो सकता है इससे। इससे बॉटल भी नहीं उठेगा गाइस। एक और ट्राई करते बॉटल उठाने का। वाह, बॉटल घसेड़ के साइड से निकल गया। क्या हम लोग इससे माउस को हिला सकते? ठीक ठाक, कुछ खास नहीं। वो मैंने शिट, मैं गलती से OBS पे स्टार स्ट्रीम करने वाला था। अगर मेरा माउस से अभी क्लिक हो जाता तो अभी स्ट्रीम चालू हो जाता, रात के 4:30 बजे में स्ट्रीम चालू करता। गाइस, ये जो मैकेनिकल आर्म है, ये मैकेनिकल आर्म का अभी असली टेस्ट होने वाला है। क्या ये मैकेनिकल आर्म ड्वेन द रॉक जॉनसन को उठा सकता है? क्या ये आर्म रॉक को उठा लेगा? अबे इधर ही बैठा है। क्या ये आम रॉक को उठा लेगा? ओह, ओह यस, इसने रॉक को उठा लिया। ओह नाइस, मैकेनिकल आम ने रॉक को उठा लिया। नाइस मैकेनिकल आम, नाइस। ऑल राइट, माइक किधर है? ओ माइक उधर है। ऑल राइट गाइस, तो ये मैकेनिकल आम कुछ किसी काम का नहीं मैकेनिकल। ऑलराइट गाइस, तो ये जो मैकेनिकल आर्म है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इससे हम लोग बहुत चीजें कर सकते हैं, पर अपेरेंटली हम लोग इससे सिर्फ ये छोटी वाली बाटली उठा सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ उठा ही सकते हैं। तो एक सेकंड, क्या ये मेरा मोबाइल उठा पाएगा? ओ यस, इसने मेरा फोन उठा लिया, मतलब मैं इससे फोन में बात कर सकता हूँ। हेलो, गिर गया। तो ये मैकेनिकल आर्म गाइस सिर्फ ऐसे हाय बोलने के काम आएगा, ये मैकेनिकल आर्म ज्यादा किसी काम का नहीं है। सो मैंने ये मैकेनिकल आर्म से बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट किया था, मेरे को लगा था इससे हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते, हम लोग क्या चीजें उठाएंगे। पहले तो इससे खुजली भी नहीं होता, मैंने खुजली करने का ट्राई किया वो भी नहीं होता है। मैंने एक्सपेक्ट किया था इससे हम लोग माउस चला सकते हैं, इससे हम लोग गेम्स खेलेंगे, मेरे को लगा था मस्त। गाइस, मैं ये वीडियो बनाते बनाते एक चीज तो भूल ही गया, मुझे कीबोर्ड ऑर्डर करना था, मेरा कीबोर्ड खराब है। मस्त ऐसे दूर से बैठ के आराम से मैकेनिकल आर्म से माउस चला के मैं गेम खेलूंगा, पर इससे माउस भी मूव नहीं हो रहा है। तो ये जो मैकेनिकल आर्म है, ये बस ऐसे उंगलियां हिलाने का काम आएगा। एनीवे गाइस, आई होप सो आप सभी को ये वीडियो देखकर मजा आएगा। बाय द वे, कमेंट करके मुझे बताओ कि इस मैकेनिकल आर्म के साथ हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज अभी इसको इतना मेहनत से बनाया, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का मेहनत लगा इसको बनाने में। 3 घंटे का मेहनत से हम लोग ने जिस मैकेनिकल आर्म को बनाया, इस आर्म से हम लोग और क्या क्या कर सकते, मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर ये मैकेनिकल आर्म तुम्हारे पास होता तो तुम इससे क्या करते? मैं तो सोच रहा हूँ इनको निकाल के खुजाऊंगा। सो एनीवे गाइस, दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप सो तुम सभी को आज का वीडियो देखकर मजा आएगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर देखो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।